हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और चलिए आज चलते हैं अपने किचन की तरफ और बढ़ते हैं एक नई रेसिपी की तरफ। तो आज हमने बनाई है कढ़ी, जो कि काफ़ी बन के टेस्टी तैयार हुई थी। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट जो हैं तो हमने यूज़ किए हैं। इधर पर लिया है लहसुन, प्याज और साथ में लाल मिर्च, मेथी दाने और साथ में करी पत्ता और हींग। लहसुन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए, काफ़ी फ्लेवर लहसुन का अच्छा आता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम कढ़ी किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है, तो इधर पर हमने दही लिया है, ये 2 कप दही लिया है जो कि ज़्यादा खट्टा नहीं है। तो इधर पर 2 कप दही लिया है और साथ में हमने लिया है बेसन। तो इधर पर देखिए, ये बेसन ले लिया है और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, जिसमें कि इसमें लम्स वगैरह बिल्कुल ना पड़े। तो इस तरह से देखिए, 3 चम्मच करीब हमने बेसन इसमें लेके और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। बहुत अच्छे से देखिए, इधर पर हमने इसको मिक्स कर लिया है जिसमें कि लम्स वगैरह ना पड़े। अब इसके बाद जो है, तो इधर पर हम पानी डाल देंगे। पानी इतना डालना है कि आपको अपनी कढ़ी की क्वांटिटी कितनी रखना है और पकने पे कितना उसको पानी लेना है, तो इस तरह से आप इसमें पानी को मिक्स कर लीजिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं कढ़ी को बनाना। तो सबसे पहले इधर पर हमने लिया है मस्टर्ड ऑयल और इसमें डाली है हींग और साथ में मेथी। और इसके बाद देखिए, इधर पर हमने डाला है, मेथी डालने के बाद जो लहसुन है तो लहसुन को डाल देंगे और लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। कढ़ी में लहसुन और मेथी का जो फ्लेवर आता है तो वो काफ़ी अच्छा आता है। गोल्डन ब्राउन होने के बाद इधर पर देखिए, हमने प्याज ले ली है और प्याज को भी इधर पर हम सॉफ्ट कर लेंगे। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस सॉफ्ट करना है। और इसके बाद हम करी पत्ता डाल देंगे। करी पत्ता आप स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं, लेकिन यदि आप इस टाइम पे डालते हैं तो इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। और बस इधर पर देखिए, अच्छे से इधर पर मिक्स कर देंगे और साथ में डालेंगे लाल खड़ी मिर्च। और बस इधर पर मसालों को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। जब मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो इधर पर हमको डालना है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और साथ में नमक। तो नमक जो है, तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना डालिएगा। और नमक पहले डालिए कि डाल लेना है, जिसमें कि जो हमारा दही होता है वो फटता नहीं है। और इस तरह से हल्दी डालना है, हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा डालिएगा, जिसमें कि इसका कढ़ी का जो कलर है तो वो काफ़ी अच्छा आता है। तो देखिए, इधर पर हमने ये बना के तैयार कर ली है। इधर पर मसाले वगैरह भुज के तैयार हो गए हैं, देखिए इस तरह से। अब इसमें जो हमने दही और बेसन और पानी का घोल तैयार किया था तो उसको हम डाल देंगे। लेकिन याद रखिए कि कढ़ी को लगातार चलाते रहना है, नहीं तो कढ़ी फटने का डर रहता है। और इसको तब तक चलाते रहना है जब तक कि इसमें उबाल अच्छे से ना आ जाए। जब इसमें उबाल अच्छे से आ जाए तो उसके बाद आप इसको कम फ्लेम पर छोड़ दीजिए और इसको पकने दीजिए। कम फ्लेम पर जब ये कढ़ी पकती है तो इसमें बहुत अच्छी एक कहना चाहिए कि महक आती है और पता चल जाता है कि कढ़ी पक चुकी है। तो इस तरह से देखिए, इसको हमने कम फ्लेम पे पकने के लिए अब छोड़ दिया है। चलिए जब तक बना लेते हैं इसकी पकौड़ियाँ। तो इधर पर हमने लिया है बेसन, साथ में लिया है नमक और हींग। बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं डाला है, सिंपल इसकी पकौड़ियाँ बनाई हैं। और साथ में देखिए, इधर पर हमारा बेसन बन के तैयार हो गया है, जिसको कि 10 मिनट के लिए हमने ढक के रख दिया था। तो बस इधर पर हमने पकौड़ियाँ बनानी शुरू कर दी थी। इस तरह से छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना के तैयार कर लीजिए। और बिल्कुल सिंपल पकौड़ियाँ हैं, आप चाहें तो इसमें प्याज वगैरह, मिर्च वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन इनका टेस्ट जो है तो काफ़ी अच्छा आता है। तो देखिए, इधर पर पकौड़ियाँ भी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो बस इसको हम निकाल लेंगे और इसके बाद जो हमारी कढ़ी दूसरी तब पक रही है, देखिए इस तरह से। तो ये अच्छे से, बहुत अच्छे से पक चुकी थी। कम से कम 30 से 35 मिनट तक हमने इसको बिल्कुल कम फ्लेम पर रखा था। और देखिए, इस तरह से हमारी कढ़ी जो है तो बन तैयार हो गई है। चलिए अब तड़का तैयार कर लेते हैं। इसमें सिर्फ हींग, जीरा और लाल मिर्च ली है और शुद्ध घी में तड़के को तैयार किया है। तो चलिए बताइएगा ज़रूर कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कौन नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए